पैरों महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने। 1150 ते महाराज फरमाते हैं मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने। वटभागी पुरशां दा मन तन वाहिगुरु के चरणों के रंग हुंदा प्रेम विच राता तो भाव लीन रहिंदा रंगिया रहिंदा। सो जो राम मन दे सारिया संकल्पां दे पूर्ण करन वाला, आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत। सो महाराज पावन बचन फरमाते हैं कि वटभागी जिहड़े जीव अठे पहर भगवान के गुण गाउंदे रहिंदे हन, क्योंकि सतगुरां ने यह पूरा गुरमंत्र दिता उन्हूं भी तू वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाई भाई। सो वटभागी जिस नाम प्यार तिसकै संग तरै संसार रहाओ। वो वटभागी जीव है जिहदा नाम सिमन विच प्यार है, उहदे संग करके संसार समुंदर तो तरना हुंदा रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे हन। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक। महाराज फरमाउंदे असल ज्ञानी उही है जिहड़ा एक वाहिगुरु नूं सिमरदा है। तो इत्थे तां ज्ञानी सारे सिमरन करदे ही नहीं है, वह कहिंदे सानूं लोड़ नहीं, संगत नूं ही लोड़ है सिमरन करन दी। पर सतगुरु कहिंदे ज्ञानी तुसीं भी करिया करो सिमरन भाई। कहिंदे उही असल धन वाला धनाड़ पुरश है जिहदी बुद्धि विच विवेक है विचार है। केड़ी विचार जी? कहिंदे बिब एक, बिब हुंदा दो तो एक, एक होना, आत्मा परमात्मा नूं एक करन दी विचार आ गई है। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पछानी। वह उच्ची कुल वाला है जिहड़ा स्वामी नूं सिमरदा है, उही पतवंता इज्जत वाला जिहड़ा अपने स्वरूप नूं पछाणदा। गुरप्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रैन ते आया। गुरां दी कृपा द्वारे जिन्हें गोपाल दे गुणां नूं रात दिन ध्यौणा कीता उन्हें परम पद नूं पाया, ब्रह्म ज्ञान पा लिया। टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिद माहे निवासा। उहदे मोह रूप सारे बंधन टुट गए हन अते आसा पूर्ण हो गई जिहदे हिरदे विच हरी दे चरणां दा निवास। कहो नानक जाके पूर्ण करमा सो जन आया प्रभ की सरना। सतगुरु कथन करदे हन बचन जिहदे कर्म जिहड़े भाग है पूर्ण हन उही गुरमुख वाहिगुरु दी शरण विच आया है। आप पवित पावन सब कीने राम रसायण रसना कीने। उन्हें आप पवित्र होके सारे संबंधी पवित्र किते है अते उहदी रसना ने राम जो रसा दा घर है उन्हें चीने तो भाव जान लिया। सो इस प्रकार हुण परमेश्वर की भगती दा आपां नूं दस दे कि नाम लैण दा किन्ना लाभ हुंदा है। भैरों महला पंजवा, भैरों राग दे पंजवें पातशाह कृपा करदे हन। नाम लैत किसी विघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै। भाई गुरमुखो ऐं ऐ भी परमेश्वर दा नाम लैंदिआं कोई विघन नहीं लगता। कोट विघन तिस लागते जिसनों बिसरै नाउ। नानक आंदन बिलपते ज्यों सुनिए घर काउ, जिन्हों नाम बिसरदा। पिछे रामकली राग विच भी दस के आए सी कोट विघन नहीं आवै नेर, अनक माया है तां की चेर, अनक पाप तां के पानी हार, जा का माया पई करतार। नाम नूं सुणदे जमदूत दूरों ही भज जांदे। नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास। वाहिगुरु वाहिगुरु नाम लेंदे सारे दुख नास हो जांदे। वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपदे ही चरण तो भाव पूजनीक हरी विच निवास हुंदा है। निर्विघन भगत भज हर हर नाओ। ए भाई हर हर नाम नूं भज चेते कर। इहो एक निर्विघन एक रस भगती है कि हर हर नाम नूं भज के भगत लोग विघना तो रहत होए है। रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। रसक हुंदा तदाकार होके जिहड़ा एकमिक होके रच मिच के रसक हुंदा सार सा के हरी दे गुण गाउणा करदा है। तूं भी कहिंदे गुण गाउणा कर सार सा के गा, प्यार नाल पढ़िया कर पाठ करिया कर काली ना करिया कर। की तू रोज कम्मां च भज्जिया रहना है, रोज तां काली रहनी होई है। रह रास थोड़ा जिहा आराम नाल पढ़िया करो, कीर्तन सोहला सारा सुन के पढ़िया करो प्यार नाल। पंज बाणियां माड़ी जी होर हौली कर लो, किन्नी क हौली करिए 45 मिनट च कर दिओ 50 च कर लो, बस 5 क मिनट होर दे दे ज्यादा। फिर हौली हौली पहलां तां घटाउण लगे हुए सी,
45 मिनट 40 मिनट 35 मिनट हो जाए कि 10 मिनट से ना करन लग जाओ। इस करके हौली भी नहीं इन्ना भी बिल्कुल ही घटा के इन्ना स्पीड बी ध्यान कितने हो फिर मन कहते टिकता नहीं। मन टिकूगा जब मन में कुछ सुनाओगे मन तो सुनता ही नहीं बेचारा बोर हो जाता तो फिर भज जाता उठ के। मन में पाठ सुनाओ वो किवें सुनाइए कहते मूँह नाल बोलो कन्ना नाल सुनो कन्न जेड़े आ गां मन नूं सुणाउंदे आ कन्नां राही मन तक बाणी तां पहुंचाओ। मन भी फिर इहदा विचार करूगा भी की बोलदा इह मन दे उत्ते फिर बाणी दा असर पैंदा। इस करके रह रास रोंदे रोंदे कर भी जल्दी जल्दी मुका लईए। रह रास ऐ ना करिया करो रह रास दा अर्थ है बेनतियां हौली हौली कीती जिहदा मन टिकाउणा। जे उहीं फॉर्मैलिटी करनी है फिर तां कहणे की है रसक हुंदा प्रेमी पुरश जिहड़े आ उह रसक प्रेम करके हरी दे गुण गाउंदे हन रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे आ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैंत देओ ना पो है। हरी नाम दे सिमन करके कोई चाख हुंदी डैण तक नहीं सो जिहड़ी डैणा हुंदियां डैण देख नहीं सकदी किहड़ी डैण माया प्रतख भी डैणा हुंदियां ने कई प्रकार दियां डैणा हुंदियां ने यह जंगलों च भी होंदियां सी पहला डैणा हुण तां यह चीज़ां घट गई बहुत वह वक्रे वक्रे रूप भी धार लैंदियां सी हुण तां प्रतख माया डैण हुण तां वैसे ही दुनिया च डैणा दा अंत नहीं हैगा हुण उन्हां दे जंगल वालियां सारियां आ गईयां संसार च ते माया रूपी डैण नहीं तक सकदी तैनूं चाख हुंदा दृष्टि भर के कोई देख ही नहीं सकदा। सो हरी नाम दे सिमरन करके दैंत ते दियो भी नहीं पहुंचदे अर्थात कहण तों भाव इह आ वी नाम जपण वाले नूं किसे जिन भूत जां दियो परियां आदिक का परछावा नहीं हुंदा। हरी नाम दे सिमन करके दैंत दियो ना पोहै मान अपमान नेड़े नहीं आउंदा दियो हुंदा प्रकाश रूप होण करके काम क्रोध आदिक दैंत नहीं पौंदे। इस तरह बहुत सारिया चीज़ां भी होण भावें आपां ने की लैणा जे हैगे भी तां बंदगी करी जाओ फिर नेड़े कोई भी नहीं आउंदा। बाणी ने उहनूं प्रवान कीता गल नूं भी हैगे तां है दैंत दियो पर इस तरह हुंदा भी जे जाप साहब दे पाठ आपां करदे हां चौपी साहब बेनतियां करदे हां जपजी साहब पढ़दे हां नितनेम हो ही जांदा खाना पीना ठीक है तो गुरु की बख्शिश है जे सब ठीक है फिर इस करके अपना कहिंदे बाणी पढ़ो प्यार नाल किसे दा दिल ना दिखाओ माड़ा कर्म ना करो जो गुरबाणी अंदर जो जो भी लिखिया उहनूं कमाओ तां सतगुरु दी बख्शिश रहिंदी है। हर सिमरत मोह मान ना बधै हर सिमरत गर्भ जोन ना रुधै। हुण सतगुरु महाराज फरमाउंदे हरी नाम दे सिमरन नाल मोह ते मान हुंदा हंकार विच वजदा नहीं हरी नाम दे सिमरन करके जूनिया द्वारे माता दे उदर च नहीं रुधै भाव रुकदा। हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माहे अकेला सारी उमरी हरी नाम सिमरन दा भाई वेला है। हरी नाम सिमरन दीआं बहुतियां साधना विचों ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ जे हो जाए तो चंगा रह रास तक जे भी लेट हों कि दिखे तो खुली छुट्टी नहीं है यानी कदों तक कर सकते हैं। फिर पंज बाणिया सवेरे अमृत वेले दियां बाणिया बख्शिश कीतियां महाराज ने सारा दिन जिन्ना मर्जी पाठ ठीक है करते हैं। रह रास जिहड़ी है ये रह रास दे वेले तो लैके रात के 11 बजे तक पढ़ी जा सकती है। रह रास जे आपका नितनेम करना है गुरु घर का नहीं है गुरु घर तो समय अनुसार ही होनी है। कई बार कम्मां कारां च आउंदे आ लै भी हुण तां 10 बज गए रह रास्ता रह गई अज नहीं कर लो कोई नहीं 11 बजे तक महापुरखां ने दस्सिया ही सानू टाइम है रहतनामियां च भी लिखिया होया किते ना किते। इस प्रकार रह रास तो बाद फिर जिहड़ा ना जपजी साहब का पाठ फिर नहीं करना यह मैं चंगी तरह की फिर पड़ताल पड़चोल की बाबा जी ने दस्सिया सी बाबा हरनाम सिंह जी होना ने उन्हां तो भी फिर एक होर गुरमुख प्यारे नूं पुछिया भी महाराज नूं पुछ लो कहिंदे हाँ भाई रह रास तो बाद जिहड़ा है ना जपजी साहब है जां होर नितनेम अपना अमृत वेले वाला उह शाम नूं नहीं रह रास सवेरे नहीं पढ़नी। ते कई कह भी दिंदे आ कि रह रास जिहड़ी आ उह सवेरे पढ़ लैंदे हुंदे सिंह जंगां युद्धां वेले
नहीं वो एवं कोई अपने को मनाई जाता गल्ला। महाराज ने चार जंग किए छेवें पातशाह ने चारा जंगा दे विच तुरकां नूं टोए च दब के थड़ा बना के उत्ते बह के रह रास पढ़ी है इतिहास विच आउंदा। हले इतिहास सुनिया नहीं ना तुसी। सो रह रास शाम दे वक्त ही कहिंदा जंगा युद्धां च पढ़दे सी तूं मेरा खिआल उदों नाल सी शायद जिहड़ा कहण वाला सी बंदा कोलों ही शोशे छड्डण वाले बहुत बैठे हुंदे आ इस करके शाम तैनूं हुण कहिड़ी जंग पई भज दौड़ पई होई है जिहड़ा रह रास दा वी टाइम नहीं तेरे कोले। इस प्रकार कीर्तन सोलह ना कह दो कितने भी कीर्तन सोलह जी सवेरे उठ के कर लिया करो। इस तरह सारी दुनिया मर्यादा बिगाड़ती है। सो इस प्रकार बहुत सारिया बाणिया हैं जिहड़ियां आपां जे जपजी साहब किसी ने करना मान लो शाम नूं जी करदा फिर मैं ये गल उन्हां नूं कहूंगा भी जे 25 पाठ शुरू कर लो 30 पाठ 8-9 बजे शुरू करके 12 तो बाद फिर नहा के फिर करने हैं 1-2 बजे तक कर लो फिर अमृत वेले च लै जाओ उन्हां नूं फिर ठीक है। चंडी की वार भी कई रात को करना चाहते होंगे ने फिर महापुरखा लिखिया ही हो चंडी की वार जो करते कहते सवेर तक करनी पैंती अब तो ना ही करो तो चंगा ऐडा तो मन कि टिकया हो बाले मन जो जती सती है किसी का। इस करके जड़िया मर्यादावान बनिया हुई सारिया वो इस प्रकार है। तो सतगुरु महाराज ताइयों आपू बख्शिश करते हैं कि हर सिमरन की सगली बेला हरी दे सिमरन लिए सारे बेले है ते पर अगे पिछे नितनेम का जिहड़ा दस्या है भी इन्ने बजे नितनेम करना वह नितनेम उस प्रकार ही करना। जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए भावें उच्ची जाति वाला है भावें अजात नीच जात वाला है चाहे जात हुंदा ज्ञात पूर्वक है चाहे अजात हुंदा अज्ञात पूर्वक कोई बंदा जिहड़ा जीव है वह जप लैना करे जिहड़ा पुर जपदा है उहदी गत हुंदी मुक्ति हुंदी है। हर का नाम जपिया साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग महाराज कहने वैसे सब तो वधिया यही है भी साध संग च बैठ के हरी का नाम जपना करिए इकट्ठे मिलके बैठ के वाहगुरु 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 करो इकट्ठे बह के मूल मंत्र करो इकट्ठे बह के बाणी पढ़ो उहदा फल ज्यादा है। फिर इस प्रकार जे कल्ले ने बह के करना तो कल्ला तो एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर कहा है तो वह भी वधिया है पर जे छेवें पातशाह नूं भाई जोध ने पुछिया सी महाराज के वाले पासे भाई जोध इतिहास विच आवेगा उह कहिंदा महाराज जी कई बार ऐं हुंदा कल्ले हुंदे आ किते देश प्रदेश जांदे आ उत्थे सिख दी संगत नहीं मिलदी तुसीं क्या संगत करो। फिर छेवें पातशाह ने वचन कीता सी कहिंदे फिर भाई सुखमनी साहब दी संगत कर लिया करो जिहड़ी गुरु दी बाणी है इह भी संगत है जे किते ना संगत मिले कहिंदे फिर सुखमनी साहब पढ़िया करो यह भी संगत ही है सुखमनी साहब की संगत कर लिया करो। फिर ये महाराज ने उदों बचन भाई जोध ताई कीता सी इह तां महाराज कहिंदे साध संगत बैठ के हरि का नाम जपना करिए हरि के नाम का पूर्ण आनंद प्राप्त हुंदा। नानक कौ प्रभ कृपा धार सास सास हर देहो चितार महाराज कथन करदे इस तरह बेनती करो हे वाहिगुरु मैं सेवक उत्ते कृपा दृष्टि धारना करो अंदर बाहर सुवास आउंदिया जांदिया हरि नाम का चितार हुंदा चिंतन करना दिओ बख्शिश कर दिओ मेरे ते। भैरव महला पंजवा आपे सास आपे वेद आपे घट घट जाने भेद महाराज पंजवें पातशाह भैरव राग फरमाउंदे आ पंजावां शब्द है ये वह परमेश्वर आपे शास्त्र रूप है ते आप ही वेद रूप है वाहिगुरु अते वह आप ही घट घट विच वस के सारिया के भेद नूं जाणदा वाहिगुरु। ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ जी दी जिस ज्योति स्वरूप परमात्मा दियां सब वस्तुआं बनाईयां होईयां हन जिस ज्योति स्वरूप वाहिगुरु दी चेतन सत्ता रूप वस्तु सारिआं दे अंदर है वह पूर्ण परमात्मा सब कारणां दे करण नूं समरथ है। प्रभ की ओट गह मन मेरे ए मेरे मन हे प्यारे भाई गुरमुखा उस वाहिगुरु दी ओट नूं गह फड़ना कर चरण कमल गुरमुखिया रद्द हो दुश्मन दुख न आवै मेरे रहाओ। सो मुखी गुरां दे चरण कमलां नूं वाहिगुरु वाहिगुरु नूं आराधना करो जिहड़ा गुरु दा मंत्र है यही चरण कमल हो गए तां तुहाडे नेड़े कोई दुश्मन प्रतख ते इंद्रीव दुश्मन है जिहड़े दुखां दा नेड़ नहीं आवेगा कोई सारे ही तुहाडे तों परे हट जाणगे अपने आप। वह की नीति है कि सारिया फिर वह आप ही बैठा है वह दुश्मन को प्रेर के आप ही परे लै जाता
ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਆਪੇ ਬਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਸੂਤ ਪਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਤ੍ਰਿਣ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀਏ, ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰੋਤਾ ਪਿਆ। ਆਪੇ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ, ਆਪ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਆਪੇ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ, ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਨਿਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਕਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਜਨਤਾ ਕੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਊਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਭੋੜਾ ਭਰਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੇਈ ਜਨ ਧੰਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਜਨ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਨਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1151 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਉ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਬ ਰਹਿਆ ਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਤ ਸਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ। ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਸਦਾ। ਹਰਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਰਗਾ, ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਇਸ ਕੀ ਧਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ,
एक बिन, एक बिना दूजा नहीं होर। शरीर नूं उहदी प्रभु दी धर हुंदी ओट है, ते मन विच भी वाहिगुरु दा जोर तो पाप बल है। भगतां नूं इक वाहिगुरु तो बिना होर कोई दूजा दिसदा ही नहीं है। नानक कै मन एहो पुरखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। सतगुरु कथन करदे मेरे मन विच अते भगतां दे मन विच एहो पुरखार्थ हुंदा उद्दम है, अते प्रभु साडे सारे काम पूरे करन वाला है। पुरखार्थ पुरशार्थ इस प्रकार उद्दम दे देण वाला वाहिगुरु, ते भगतां दे मन विच यही उद्दम है कि वाहिगुरु साडे सारे काम पूरे करेगा। जे बहुता डर लगदा होवे, महाराज कहिंदे फिर पैरो महला पंजवा, भै कौ भौ पढ़िया सिमरत हर नाम। पंजवें पातशाह कहिंदे भैरो राग च वी हरी नाम दे सिमरन करके डर देण वाले जमा नूं डर पै गया, उल्टा डर नूं डर पै गया, डर ही भज गया साडे कोल। सगल ब्याध मिटी त्रिहो गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। त्रिगुणात्मक माया दी सारी जिहड़ी ब्याध सी, पीड़ा सी, उपाधि सी, उह मिट गई। नाम जपण करके दास दे सारे काम पूरे हो गए, वाहिगुरु की कृपा हो गई। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे हन, हर के लोक सदा गुण गाव है तिन को मिलिया पूर्ण धाम। जो हरी दे भगत लोग सदा ही गुणा नूं गाउंदे हन, उन्हां नूं पूर्ण धाम कौन है? धाम परमात्मा मिलिया। उन्हां नूं पूर्ण धाम की मिलिया? प्रकाश ज्ञान मिलिया। पूर्ण धाम हुंदा घर, हिरदा रूपी घर, सचखंड घर, साध संगत घर मिल गया। जन का दर्श बांछै दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। पवित्र होण वास्ते धर्म राजा ते उहदे जाम, जाम भी दिन रात संतां दा दर्शन बांछै तो भाव चाहुंदे। धर्म राजा अठे जाम हुंदा पहर, उहनां संत जिन्हां दर्शन चाहुंदा, जिस करके मेरे दिन रात पवित्र हो जाण। इह प्रतख चीजां ने, दर्शन करदे ने सारे जणे, उह भी आ के ये चीजा रूहानियत दियां सारियां महापुरखां कोले मिलदियां हुंदियां। इह काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान। जिन्हां दा साध संगत करके काम क्रोध लोभ जिहड़ा है, विद्या दा मद निंदिया ते जाति हंकार, इन्हां सारियां दा समुदाय ही मिट गया अंदरों। ऐसे संत भेट है वडभागी, नानक तिन कै सद कुरबान। महाराज कथन करदे है बई जिहड़े इहे जे संत वड्डियां भागां नाल मिलदे आ, सो मैं उहनां तों सदा ही कुरबान जांदा, बलिहार जांदा, क्योंकि इहे जे महापुरख भागां तों बिना प्राप्त नहीं हुंदे जीव नूं। पैरों महला पंजवा, सतगुरु महाराज भैरों राग दे विच पावन जो बचन फरमाउंदे हन, पंच मजमी जो पंच न राखै, मिथिया रसना नित उठ भाखै। भैरों राग दे पंजवें पातशाह की फरमाउंदे आ, जिहड़े जीव पंजां नूं भाव काम क्रोध आदिकां नूं गुरां द्वारे नहीं रोक रखदा, जिहड़े जीव पंज ज्ञान इंद्रियां नूं विशियां वल्लों नहीं रोक रखदा, सो जिहड़ा कोई पुरश पंज सत संतोख आदिक गुणां नूं हिरदे च धारण कर रखदा, उह पुरश पंच मजमी पंज पीरिया है। पंज पीरिया उहनूं कहिंदे आ जिहड़ा पदार्थां दे मंगण वास्ते बहुतियां देवी देवतियां नूं मंनदा होवे। जिवें एक फकीर डंडे नाल कई टिंडा मन के मंगण लई तुर पिया, जे उह कहण असीं देवी नूं मंनदे हां तां उहने कहणा देवी दी टिंडा इहदे च पा दिओ, आटा इस विच पा दिओ। दूजे घर गया, उहने कहा असीं तां राम नूं मंनदे हां, कहिंदे इह आ राम वाली टिंड है, सब्जी इह च पा दिओ। फिर इस तरह पंज पीरिया बन के सब तों मंगी जाणा, छड्डणा किसे दा। सो पंच हुंदा श्रेष्ठ मजहब वाला वो जीव है जिहड़ा पंज सत संतोख आदिक गुणा नूं अपने हिरदे च धारण करके रखदा है। सो पंज पीरिया पुरश निता प्रति सवेरे उठ के मिथिया भाव झूठ बोलदा अते मिथिया पदार्थ नूं रसना नाल खांदा। पखंडियां नूं इत्थे लै रहे थोड़ा जिहा, चक्कर बनाए करै पाखंड, चोर चोर पचै जैसे त्रै रंड। शरीर उत्ते चक्कर बना के कई तरह के पखंड जे करदा है, गणेश चक्कर बना के पखंड करदा है, ये पखंडियां दी गल चलदी है। कई मंगण दा ढंग जिहा बना लैंदे, ढोंगी बंदे हुंदे जिहड़े, वो पखंडी पुरश इस प्रकार जैसे त्रिया रंड तों भाव रंडी इस्त्री वांग झुर झुर के पचे खराब हुंदा। सो जिवें इस इहो जी इस्त्री जिहड़ी हुंदी आ, पति दा सुख नहीं मिलदा, एवें पखंडी
ਜਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੂਪ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਖਤ ਮੂਠ ਰਹਾਓ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ। ਸਾਖਤ ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਠ ਮੂਠਾ ਇਹ ਕਈ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਟਣਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਕੁਚੀਲ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਲੀਪਿਆ ਥਾਏ ਨਾ ਸੁੱਚ ਹਰ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚੀਲ ਹੈ ਭਾਵ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਹਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿੱਤ ਧੋਵੈ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਆਪਣੀ ਪਦ ਖੋਵੈ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਰ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਮੰਦ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖੋਵੈ, ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਰੈ ਉਪਾਓ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਘਾਲੈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਓ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਾਓ ਕਰਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸੁਚੀਤ ਨਾ ਆਣੈ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਮੁੱਖੋਂ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਿਸ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿਓ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਘਨ, ਅਭੰਗ ਹੈ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ 53 ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 1151 ਅੰਗ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।